हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी मैं आशीष दुबे आपका स्वागत करता हूं तो बच्चों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो थर्ड यूनिट है वो चल रही है जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ठीक है उसके बारे में हम बात कर रहे थे तो उसमें हम जब हम एक टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है बायोड सेवर्ट लॉ ठीक है तो बायोड सेवर्ट लॉ को शुरू करते हैं चलिए जैसा कि इसमें आप लोग एक फिगर को देख पा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं लेट ए बी अ कंडक्टर कैरिंग करंट आई यानी कि एक ए बी है जो कि कंडक्टर है और जिसमें करंट आ रहा है आई ठीक है कंसीडर आ स्मॉल लाइन एलिमेंट डी एल ऑफ द कंडक्टर हमने क्या किया एक छोटा सा पॉइंट ले लिया है उसी लाइन में ए बी में एक छोटा सा पॉइंट ले लिया है डी एल उसी का उसी कंडक्टर में ड्यू टू विज द मैग्नेटिक फील्ड डी बी इस प्रोड्यूस तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है डी बी एक पॉइंट पी पर दैन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर तो जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स पे कौन कौन से ये जरा हम देखते हैं नंबर फर्स्ट द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट आई यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है आई के तो डी भी डायरेक्टली प्रपोर्शनल आई नंबर सेकेंड द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एलिमेंट की लेंथ के डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी एल के नंबर थर्ड द फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड डी एल यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका प्रोपोर्शनल है जो कि एंगल बन रहा है डी एल के बीच में और जो लाइन ज्वाइन कर रही उनके बीच में तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा ठीक है नंबर फोर्थ द फील्ड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड लाइन एलिमेंट यानी कि जो पॉइंट की डिस्टेंस है ना और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये आ जाएगा डी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर स्क्वायर तो अब हमने क्या किया ये जो हमारे चार केस निकल के आए हैं कम्बाइनिंग ऑल द फोर पॉइंट वी गेट हमने जब इनको कम्बाइन कर दिया तो क्या बना डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आई डी एल साइन ठीटा अपॉन आर स्क्वायर अब यहां से हमें ये साइन हटाना है तो हमने एक कॉन्स्टेंट ले लिया के तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन ठीटा अपॉन आर स्क्वायर ठीक है अब क्या है वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अब जो के है वो कॉन्स्टेंट है इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट तो इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी जो भी हम यूनिट का यूज़ करेंगे उस पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी जी एस की अगर सी की बात करते हैं तो उस केस में जो के की वैल्यू होती है वो वन होती है ठीक है तो हम लेके चलते हैं के की वैल्यू वन तो उस केस में हमारा जो बनेगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा डी बी इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर अब हम बात करते हैं एम के एस में एम के एस सिस्टम में क्या है जो के की वैल्यू होती है वो होती है म्यू जीरो अपॉन फोर वेयर म्यू ज़ीरो है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो ये इससे हमारी क्या बन जाएगी क्वेश्चन डी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बेबर अपॉन मीटर स्क्वायर अब जब हमें पता है म्यू ज़ीरो अपॉन फोर पाई है जो उसकी वैल्यू होती है टेन की पावर माइनस सेवन तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी डी वी इक्वल टू टेन की पावर माइनस सेवन आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर दिस रिलेशन गिव्स बाय इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर बायो सेवर्ट लॉ इसमें आप जरा देख पा रहे हैं सेकेंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन इन्हीं को हम कहते हैं बायो सेवर्ट लॉ ठीक है बच्चों तो ये तो था हमारा बायो सेवर्ट लॉ आई थिंक आपको आराम से समझ में आ गया होगा पूरी डायरेवेशन है ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है ओके ना हम अब आगे बात करते हैं जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है एक रूल है जो कि है सेकेंड राइट हैंड पाम रूल यानी कि हथेली वाला रूल ठीक है राइट हैंड पाम रूल तो उसे हम जरा देखते हैं क्या है इसमें आप एक फिगर को देख पा रहे हैं हथेली को देख पा रहे हैं क्या है ये जरा देखते हैं स्ट्रेच आउट द पाम ऑफ योर राइट हैंड सच दैट द फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ थम यानी कि अपने आ, सीधे हाथ की हथेली को इस तरीके से फैलाइए कि जो फिंगर्स हैं वो परपेंडिकुलर हों थम के ठीक है इफ द थम पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर जो थम है आपका अंगूठा है जो डायरेक्शन बता रहा है करंट की द फिंगर्स पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर बिलविन अफवा डायरेक्शन अगर जो फोर्स लग रहा है इस कंडक्टर पर वो अफवाह डायरेक्शन में है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाम जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होना चाहिए अफवाह डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाम में हाँ अब इसके यूजेस क्या कहें वाई इट्स वी कैन फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर हम इससे क्या पता लगा सकते हैं इससे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगा सकते हैं किसी भी कंडक्टर में जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसके हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं तो बच्चों ये हमारे आज के दो टॉपिक थे वायुट सेवर्ट लॉ और सेकेंड राइट हैंड पाम रूल ये दोनों ही काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे आराम से ठीक है चलिए धन्यवाद